हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SBG स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर डिटरमिनेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे और चैप्टर डिटरमिनेंट के टॉपिक आज इसमें हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे हम डिटरमिनेंट क्या होता है और इसकी जो 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 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज़ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट होता क्या है, तो उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो व्हाट इज़ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे कोई भी हो सकते हैं, उससे एक नंबर एसोसिएट होता है, मीन्स उससे हम एक नंबर निकालते हैं और जो नंबर निकालते हैं उसे ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं। वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई एंड जे टर्म ऑफ जे एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उसके बाद क्या होता है कि डिटरमिनेंट हम अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ऑर्डर का होगा, वन रो एंड वन कॉलम, तो मतलब एक एक एलिमेंट होगा। उसके बाद आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, दो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट, यहाँ पे इसमें दो मतलब दो रो है एंड दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर टू हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद जैसे हमने लेट कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मानी, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, हमने यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स मानी है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए लाइक एज दिस एंड। तो इसमें क्या है, इसमें मैट्रिक्स का साइन और इसमें डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए वन वन, ए टू टू, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए टू वन एंड ए वन टू। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू आएगी, इसकी इसका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट की वो ये वैल्यू आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे जैसे कि उसमें तो हमने किया क्या था, ऐसे मल्टीप्लाई कर दी थी तो उसको निकाल दिया था, तो इसे सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इस वाले एलिमेंट को लेंगे, तो जैसे हमने लिया माइनस वन, मीन्स हम क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस लेंगे। तो इसको मैंने प्लस लिया तो माइनस वन का माइनस वन हुआ, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इस वाली रो को काट देना है, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को काट देना है। तो यहाँ पे ये दो ये एलिमेंट बचा, इसकी तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसकी 300 माइनस 100, तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम सेकंड को लेंगे, इसमें माइनस लेना क्योंकि इसमें प्लस लिया था, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का टू लेना है, माइनस का टू लिया तो ये वाली रो कट जाएगा और ये वाला कॉलम, तो ये दो बच जाएंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद ये माइनस था ये प्लस आ जाएगा, प्लस का फोर इंटू ये वाली लाइन कट जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट जाएगी, तो क्या बचा, ये बचा, तो वन इंटू वन, वन इंटू माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन जैसे कि बीच में सभी में लगाए तो माइनस का साइन आता है। उसके बाद फोर थ्री, फोर थ्री सा ट्वेल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस 52 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, जैसे ही ये प्लस का आएगा तो प्लस का साइन, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाला है 300 माइनस 010, तो बीच में माइनस आएगा, तो ऐसे ही हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ऑर्डर थ्री का। तो यहाँ पे हमने सीखा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो जो इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कहती है, दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मीन्स चेंज नहीं होती है, इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम होगी। जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया और इसकी वैल्यू आई माइनस 28, तो
तो हमने किया क्या, इसके जो रो है उनको कॉलम बना दिया और जो कॉलम है उनको रो बना दिया। जैसे यहाँ पे 2 - 3 - 5, ये एक यहाँ पे रो है, तो इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो जो इसकी डिटर्मिनेंट की जो इसकी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी यही कहती है। उसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम, या तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम, मीन्स मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे दो रोज़ ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर यहाँ पे किन्हीं दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया जाए, मीन्स जैसे ये R1 है ये R2 है, तो R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 ऐसे रख दे, देन दी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जांपल मैंने लिया है, ये वाला डिटर्मिनेंट लिया है, तो इस वाले डिटर्मिनेंट की -28 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो देन हमने क्या किया, R1 को R1 रखा, और जैसे यहाँ पे R2 है R2 को हमने R3 में ले गया और R3 को R1 में, मीन्स R2 और R3 बोथ इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, R3 की जगह R2 कर दिया और R2 की जगह R3 कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टीज़ है वो यही कहती है। उसके बाद आती है इसमें थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज़, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम, इफ़ एनी टू रोज़ ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मीन्स ऑल जितनी भी एलिमेंट है उसके रो के वो दूसरी रो के सेम हो, मीन्स दो रो बिल्कुल सेम हो, देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ जीरो, तो उस वैल्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी जो वो होगी जीरो, वो क्यों होगी, क्योंकि R1 एंड R3, 3 3 2 2 3 3, R1 एंड R3 आर सेम, यहाँ पे दो रो वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। उसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ आर डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्स्टेंट, कोई भी एक रो, हर एक कोई भी एक रो ली है उसमें एक एलिमेंट से, कोई कॉन्स्टेंट से उस पूरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय के, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ऑल्सो मल्टीप्लाई के से हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई मैट्रिक्स लिया, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक रो ऐसी है जिसमें 6 से मल्टीप्लीकेशन है, या हमने 6 इसमें से कॉमन ले लिया है, तो अगर हम 6 को बाहर लेके जाते हैं, तो जैसे कि बाहर आया तो इसमें से 6 बाहर आ गया, तो इसमें क्या है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इसमें अंदर 6 है, तो अगर बाहर 6 है तो ये जाएगा अंदर, ये पूरी मल्टीप्लाई, पूरे उससे मल्टीप्लाई नहीं होगी डिटर्मिनेंट से। मैट्रिक्स में क्या होता था कि 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो 6 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी, इसमें क्या होता है 6 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे वो एक, या तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि 6 वाला यहाँ पर्टिकुलर कॉलम से, पर्टिकुलर रो से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी, तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है। उसके बाद आती है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कहती है वो, चलो देखते हैं। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर रो, या तो कोई कुछ एलिमेंट, यस ऑल एलिमेंट ऑफ आर रो और कॉलम ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर हमें ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस्ड, मतलब दो सम से मिलकर बना हुआ है, तो देन दी डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, a1 + λ, ये वाली जो रो आपको दिख रही है R1, इसमें क्या है, ये सम ऑफ टू, मतलब यहाँ पे सम ऑफ टू और सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये सम ऑफ टू टर्म जो रो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टू डिटर्मिनेंट्स में। जैसे आपको दिख रहा है a1 a2 a3 इसमें ले लिया है, और λ1 λ2 λ3 इसमें ले लिया, और बाकी की टर्म्स दोनों में सेम रहेगी, तो इसको हम दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यही कहती है। उसके बाद आती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडेड देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स दी सेम, या दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई दी ऑपरेशंस। अगर हम इसमें ऑपरेशंस यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 + R2, तो ऐसे कोई भी हम अगर इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिमेन सेम रहेगी, मीन्स इसका ये चेंज नहीं होगी, तो
तो जो सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे सी वन पे ऑपरेशन लगाया सी वन प्लस सी टू या सी वन प्लस टू सी वन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर आई पे ऑपरेशन आर आई प्लस के आर जे, तो इस पे अगर हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो रिमेन सेम रहेगी, मीन्स चेंज नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने यही आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।